हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वॉर्म वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो करंटली अभी मैं हूँ गांव में। कल शाम को आया था कृष्णाष्टमी की वजह से, तो पूजा वगैरह हो गई है और अभी थोड़ी बहुत देर में निकलेंगे हॉस्टल के लिए। जय श्री कृष्णा। तो फाइनली कृष्णाष्टमी मना के और निकल चुके हैं हॉस्टल की तरफ। तो आज मुझे अकेले जाना है और मेरे पास है बाइक। भाई गया है मंडी और कोई छोड़ने वाला तो है नहीं, तो फिलहाल बाइक लेके चलते हैं, वहीं खड़ी कर लेंगे, ज़रूरत होगी तो भाई ले ही आएगा। फिलहाल वैसे भी वो यहाँ रहता है तो फालतू में ज़्यादा चलाता है, कहीं मार्केट चला जाता है दोस्तों के साथ। तो फिलहाल इसको लेके चलते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी भेजेंगे वहाँ से। सामने में जो पुल दिख रहा है ना, वो अगत और सराय का बॉर्डर है। तो ज़्यादा दूरी ना होने के कारण इस कस्बे को सराय अगत बोलते हैं। तो फिलहाल बॉर्डर पर पहुँच गए, फाइनली सराय में एंटर कर। राम राम भैया, क्या चल रहा है भाई? इंजन की फिटिंग और बताओ, कुछ है व्यवस्था? हैं, ये देखो मुंह क्या छुपा रहे, कुछ है व्यवस्था? व्यवस्था है बिल्कुल नहीं। भाई की है ऑटोमोबाइल की दुकान, फिलहाल अभी इंजन असेंबल हो रहा है। कौन सी वाली बाइक का है इंजन? स्प्लेंडर का ये इंजन। चल यार दादा, आज्ञा दो, वहाँ कोई है नहीं यार हॉस्टल में। फाइनली सैयद बाबा के पास पहुँच गए, फाइनली हॉस्टल पहुँच गए। गुड आफ्टरनून सर जी, कैसे बच्चो? मन मच रहा हूँ, बता जा। अरे 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 अरे, गुड 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 गुड, बहुत खुश हो? हाय बच्चो। हाय सर जी। उठ जाओ ए बच्चो, चलो कोचिंग का टाइम हो गया, पहुँचो जल्दी से। ए तुम ओढ़े क्यों इतने गर्मी में? कौन है ये? आर्यन। क्यों आर्यन, ओढ़े क्यों थे? तो आज क्या टॉपिक चलेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस होंगे शायद, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के चेक होने को है ना। हाँ पिछले ब्लॉग में बताया था, ठीक है कराओ चेक। ये बताओ तुम्हारा गेम टाइम हुआ कि लंच टाइम हुआ? चार खा रहे? अच्छा अच्छा, अपना नहीं तुम खा रहे, ये तीनों खा रहे। कोचिंग खत्म हो गई थी, मस्त गेम खेल लिया है। हालत देखो कैसी हो रखी है, बहुत ज़्यादा पसीना, पूरे कपड़े भीग गए, सामने नहीं दिख रहा, पीछे साइड में चारों तरफ। पहले खेलते रहे ऊंचा कैच वाला, फिर फ्लैट कैच वाला, अभी हो रही है बॉल। चलो असेंबली के लिए पहुँचो हिमांशु जल्दी से। जल्दी आओ, भाग के जल्दी, अटेंडेंस बोलोगे शांत होगे, ठीक है, बात नहीं करोगे। 14, 15, 16, 17। फाइनली स्कूटी लेके निकल चुके हैं मार्केट की तरफ, फिलहाल संकिसा तिराहे पे जा रहे हैं। फाइनली संकिसा तिराहे पहुंच गए, देखो कितना मस्त लग रहा है, आई लव संकिसा। फाइनली हॉस्टल पहुंच गए हैं। और क्या क्या लेके आए? दवाई है और इसमें केले हैं, इसमें है लाए, और इसी को लेके आए और स्कूटी लेके आए। तो लाए का क्या बनाओगे? भेलपूरी। भेलपूरी मिलेगी? हाँ ठीक,
कहानियाँ सुना बंद करो। आंटी जी खाना बन गया? बन गया? नहीं बताओ, 6:35 हो गए ना। जाओ थाली ले आओ, खाना खाओ। पढ़ नहीं रहे हो? घर जाओगे? बताओ जाओगे या नहीं? मन है, पापा आ गए, तैयार हो लो। जा हाँ जल्दी तैयार हो, खुश हो गए। तो फाइनली अब बनेगी भेल पूड़ी। तो उधर सामने पन्नी में है लाए, और ये रही नमकीन, और ये कुछ प्याज है, कुछ ऑयल है, मतलब जो भी सामान पड़ता है, और कुछ इतने लोगों ने शेयर किया है पूरा सामान मंगाने के लिए। और देखो बच्चे, देखो कितने क्रिएटिव हैं, हॉस्टल के लिए ऐच बना दी नमकीन से। तो ठीक है, पहले मिलाओ, पहले इसमें डालो, इसमें डालो, पहले लाए डालो। चलो, और फिलहाल ये बच्चे सभी सो रहे हैं, इन्होंने कोई शेयर नहीं दिया, और इन बच्चों ने मंगाया अपने पैसों से। इन्होंने और मंगाया सर, ये लेट है। ठीक है, देख देख लेना, अपने अंदाज लगा लेना कितना कितना होना चाहिए। ये तो नहीं, अरे इतने खा नहीं पाओगे भाई, इसमें से कम करो, कम करो, कम करो, और कम करो। इधर कब जाएंगे? चलो, अब तुमको इसमें ऐड करना है प्याज। प्याज ऐड करके और मिलाओ इसको। अब पड़ेगा सरसों का ऑयल, डालो। मिलाते भी जाओ, ऐसे करो, समझ ले क्या जाता है। अब विकास ऐड करो नमकीन, करो ऐड। सही, हॉस्टल हॉस्टल गया, गया हॉस्टल। पहले इतनी मिक्स करो, फिर बाद में डाल लेना। तो फाइनली भेल पूड़ी बनके बिल्कुल पूरी तैयार हो चुकी है। What you expect me to do? Push you away when we're both feeling blue.